गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केमचो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप में से कई लोग एक चीज पूछते हैं कि सर, हमको जो है ऐसा लगता है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हम भूल जाएंगे, और या हम एग्जाम में हम उसे रिकॉल नहीं कर पाएंगे, और कई बार हम जब टेस्ट देते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हमने सब पढ़ लिया, लेकिन तब भी हमें मतलब बार बार इस बात का एहसास होता है कि हमें पता नहीं याद रहेगा नहीं रहेगा। तो मैं क्लियर कर दूं आपको कि ये आपका कई बार आपका खुद का मन का संदेह होता है, और आपको यदि अपनी मेमोरी पर काम करना है, याददाश्त पे काम करना है, याददाश्त को इम्प्रूव करना है, तो आप में से कई लोग बोलते हैं निमोनिक्स बना लूं या कुछ मैं ऐसा कुछ कर लूं जिससे कि कोई गाना बना लूं, जिंगल बना लूं जिससे मुझे याद हो जाए। ठीक है, वो आप कुछ चीजों को आप ऐसे याद कर सकते हैं, पर इमेजिन कीजिए क्या पूरा नीट का कोर्स आप जिंगल से याद कर सकते हैं, क्या पूरा नीट का कोर्स आप जो है वो न्यूमोनिक से याद कर सकते हैं, या यूपीएससी जो बच्चे पढ़ रहे हैं क्या वो न्यूमोनिक के भरोसे यूपीएससी में जा सकते हैं? ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब आपको करना क्या होता है कि देखिए, ऐसा है हमारा ब्रेन जो है दिन भर में कई सारी इन्फॉर्मेशन को वो रिसीव करता है, और उन इन्फॉर्मेशन में से क्या काम का है क्या काम का नहीं है ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड हम करेंगे। जब आप रिवीजन करते हैं, याद रखिए किसी भी कंटेंट को आपने जो है दो या दो से अधिक बार आपने रिवाइज किया है, आपने किसी चीज को दो बार रिवाइज कर लिया वो कभी नहीं भूलेंगे आपको। उसके पीछे कारण है कि ब्रेन को ये मालूम चल गया है कि ये फला इन्फॉर्मेशन का पैकेट काम का है, क्योंकि ये आदमी बार बार ऐसा ही सेम टाइप का पैकेट जो है बनाता है। हमारी मेमोरी जो है वो बेसिकली हमारे सेल्स के लेवल पर स्टोर होती है। हमारी मेमोरी वास्तव में केमिकल पैकेट्स के रूप में होती है। यदि हम बायोलॉजी को समझें तो हम पाएंगे कि देयर आर सम सर्टेन केमिकल पैकेट जो इन्फॉर्मेशन को रिटर्न किए, और वो पर्टिकुलर सीक्वेंस में, जैसे कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है ना 1010 बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं, वैसे हमारे ब्रेन में होता है। देयर आर सर्टेन केमिकल पैकेट जो ब्रेन में स्टोर होते हैं, और वो फिर जो है वो उनको आप तैयार करते हैं। एंड जब आप रोड पर निकल रहे होते हैं तो आप 50 लोगों को देखते हैं, आप 50 तरह के लोगों को देखते हैं, लेकिन सबके चेहरे थोड़ा ना याद होते हैं, लेकिन कोई एक व्यक्ति जो है जो उसने आपसे पता पूछा है, या कोई एक व्यक्ति जिसको आप जानते हैं पहले कभी देखा होगा आपने, वो दिखे आप बोलेंगे हाँ ये अक्सर घूमता है यहाँ पर। तो आपका ब्रेन जो है वो छोटी बड़ी हर चीजों की वो मेमोरी को तैयार रखता है। लेकिन क्या होता है कि जैसे अपने घर में मान लीजिए, मैं घर में मुझे कार की चाबी ढूंढनी है, ठीक है, और कार की चाबी, मेरा इतना बड़ा घर, घर में चाबी मैंने कहीं जो कार की मेरी कार कीज मैंने कहीं पटक दिया है, तो घर में और मैं ढूंढ रहा हूँ मुझे नहीं मिल रहा, मुझे तुरंत इमीडिएटली कहीं जाना है और मुझे वो कार की चाबी नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कार की चाबी प्रेजेंट नहीं थी, इसका मतलब ये नहीं कि कार की चाबी घर में नहीं है, घर में ही है कार की चाबी, लेकिन जरूरत पड़ने पर मुझे मिल नहीं रही है। एग्जामिनेशन हॉल में जब टेस्ट देते हो, एग्जामिनेशन हॉल में होते हो, तो कई बार चीजें समय पर याद नहीं आती है, वो चाबी घूमने के समान है। अब उसका तरीका क्या है, आप बताओ, कार की चाबी ना घूमे, इमरजेंसी मुझे मिल जाए, तरीका क्या है कि मैं कार की चाबी को सहज कर सही जगह पर रखूं, सही जगह पर रखूं सहज कर, तो मुझे मालूम हो गया हाँ यही चाबी मिलेगी, तो कहीं की जाएगी नहीं कार की, ठीक है ना। वैसे ही ब्रेन के साथ में होता है कि आपका जो ब्रेन होता है उसको आपको याद कराना, क्योंकि ब्रेन को नहीं मालूम है कि जो केमिकल पैकेट बनाया है वो एग्जाम में आएगा आपके, ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन है उनको बार बार रिवाइज करना जरूरी होता है। आप में से कई बच्चों ने क्वेश्चन उठाया कि सर, बायोमेंटर्स का जो अभी टाइटन क्रैश कोर्स में टेस्ट हो रहा है उसमें पहला चैप्टर से लेकर आखिरी चैप्टर तक लगातार जो चैप्टर कवर हुआ वो तो आता ही आता है, उसके पहले के चैप्टर भी लाइन से आ रहे हैं, मतलब लिविंग वर्ल्ड से लेके अब तक आ रहा है, फिजिक्स में भी ऐसी हो रहा है, केमिस्ट्री में ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हो सर आप, टॉपिक वाइज क्यों लेते हैं आप? फाइनली बेटा हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं चाहता ही नहीं हूं कि वो पैकेट आप भूल जाए, बोलकर मैं चाहता हूं कि हर वीक आपको समझ में आए कि आपको लिविंग वर्ल्ड के बारे में भी पता होना चाहिए, बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन के बारे में पता होना चाहिए, मतलब जितने चैप्टर लाइन से पढ़ रहे हैं सब चैप्टर का याददाश्त इकट्ठा होता चले जाना चाहिए, और जो रिसेंट कंप्लीट किया वो तो रहना चाहिए याद हमको, तो उसको लेके ये सोचिए कि वो हम रियल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, हम अपने कंफर्ट को ज्यादा तवज्जो देते हैं कि हमारा कंफर्ट, लेकिन मैं कहता हूं कई बार कि कंफर्ट के आगे जब निकलते, कंफर्ट के बियॉन्ड जब आप जाते हैं तभी आपको सक्सेस मिलता है, तो इस चीज को हमेशा याद रखिए। चलिए आज मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाऊंगा कि हम जो भी कुछ बुरा करते हैं, कोई गलत किया हमने किसी के साथ में, या और हमको मन में पता होता है, आपको एक बात मैं क्लियर कर दूं, चाहे कोई कितना ही शातिर क्यों ना हो, कितना ही चालाक अपने आप को क्यों ना समझे, उसका अंतर्मन इस बात को जानता है कि उसने कुछ गलत किया है। दिल के किसी एक कोने में सच्ची जो सोल का एक हिस्सा हर आदमी के अंदर होता है, हर आदमी के अंदर, वो मन से जानता है वो। यदि उसने कुछ गलत किया है तो हो सकता है वो आपसे आंखों में आंखें ना मिलाए, या आपके सामने ही ना आए वो, या आपको अवॉइड कर दे वो, क्योंकि उसे मालूम है उसने गलत किया। ये गलत करने वाले व्यक्ति जो है वो अपने आप को सजा देता है वो।
तो इसके ऊपर एक कहानी, बड़ी फेमस कहानी है ये, नेपोलियन हिल ने अपनी एक बुक पे लिखा था इस कहानी के बारे में, कि एक आदमी सुबह सुबह शेरिफ के ऑफिस पहुंचता है। अमेरिका में जो पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं, जो पुलिस का पूरा डिपार्टमेंट महकमा संभालते हैं, अफसर होते हैं, उन्हें शेरिफ कहते हैं, उनके जिनके ऊपर पूरे टाउन की जिम्मेदारी होती है। तो एक आदमी सुबह सुबह जो है वो शेरिफ का ऑफिस खुला होता है, जैसे ही तो मतलब थाना तो खुला ही रहता है, वो शेरिफ ऑफिस पहुंचते हैं, उसी समय एक आदमी पहुंचता है यहाँ पे और बोलता है, शेरिफ मुझे आपसे एक काम है। तो बोलते हैं, ठीक है, आप इसी टाउन के रहने वाले हैं क्या? तो बहुत दिन से देखा तो है नहीं आपको। अब वो छोटा होता है, अमेरिकन टाउन सब जानते हैं दूसरे को। उसने कहा, नहीं साहब, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, काफी दिन पहले मैं कहीं बाहर चला गया था और अभी लौट के आया उठ के। तो बोलता, अच्छा बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो शेरिफ पूछता उससे कि मैं आपकी क्या मदद करूँ। तो वो आदमी कहता, भाई एक माइकल ब्राउन करके एक आदमी है जो मर्चेंट बैंक की चोरी में इन्वॉल्व था, जिसने मर्चेंट बैंक की बैंक ने एक रिपोर्ट लिखवाई होगी आपके यहाँ पे, मर्चेंट बैंक ने एक रिपोर्ट आपके यहाँ लिखवाई होगी कि एक आदमी माइकल ब्राउन नाम का आदमी जो है उनके बैंक से चोरी कर ले गया था 18 साल पहले। तो वो शेरिफ कहता है, ठीक है, मुझे रिकॉर्ड देखने पड़ेंगे, क्योंकि तब तो मैं यहाँ पोस्टेड था नहीं। तो शेरिफ अपने पुराने रिकॉर्ड निकालते हैं उस टाउन के, मर्चेंट बैंक उसी टाउन के अंदर होता है, पुराने रिकॉर्ड निकालते हैं, रिकॉर्ड निकालते हैं, और जो है वो 18 साल पहले का रिकॉर्ड चेक करते हैं, देखते हैं कोई ऐसी किसी घटना ही नहीं हुई है, कुछ है ही नहीं, बैंक चोरी की कोई एक भी घटना नहीं हुई पिछले 25-30 साल में। बोलते, नहीं साहब, कोई गलत खबर है, यहाँ पे कोई ऐसा क्राइम नहीं घटा है, यहाँ पे ना मर्चेंट बैंक में कोई चोरी नहीं हुआ है, कोई माइकल ब्राउन आपका व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व नहीं था। तो अब वो आदमी थाने से बाहर आता है और फिर सोचता है वो कि आज के 18 साल पहले उसने मर्चेंट बैंक में जो है बंदूक दिखाकर उसने चोरी किया था और चोरी कर वो भाग गया था। मर्चेंट बैंक के लोगों ने सोचा कि चोरी के बाद बहुत बदनामी होगी और बहुत समस्या का सामना करना पड़ेगा और कई लोगों की नौकरी भी जा सकती है, कई लोग जो है चूंकि उस व्यक्ति को जानते भी थे पहले से कभी से। तो मर्चेंट बैंक के कर्मचारियों ने क्या किया, उन्होंने जो है इस रिपोर्ट को जो है उन्होंने दर्ज ही नहीं कराया और उन्होंने किसी प्रकार से जो है अपना खुद का निजी सेविंग्स को मिला के, कोई बहुत बड़ा अमाउंट था नहीं बैंक में उस समय जब वो चुराया गया, तो उन्होंने किसी प्रकार से उसको सबको करके वो सेट ऑफ किया उसको, ताकि किसी प्रकार से इस पूरे मामले को दबाया उन्होंने और आपस में कंट्रीब्यूट करके जो भी पैसा कम पड़ रहा था बैंक में चुराने के बाद, वो पैसे को उन्होंने एड ऑन किया जोड़ा, ऐसा बैंक ने खुद से किया। बैंक ने डिसाइड किया कि भैया ऐसा है, अपने प्रॉफिट का एक छोटा हिस्सा डाल देते हैं इसमें अपन, लेकिन बैंक की बदनामी नहीं करते, ऐसा बैंक ने सोचा। तो बैंक ने उसकी रिपोर्ट नहीं की। अब ये बात तो इंटरनल बैंक के अंदर की थी, उस आदमी को तो पता ही नहीं था, वो तो चुरा के भाग गया, उसे लगा कि मैं तो चोरी किया हूं, भाग गया, पकड़ में नहीं आना चाहिए, पुलिस पकड़ लेगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, वो भागता रहा। 18 साल तक वो किसी एक शहर में 6 महीने के ऊपर नहीं टिका, कभी यहां जाए कभी वहां, पैसा जो चुराया था वो भी खत्म हो गया, फटे हाल हालत में आ गया, बड़ा परेशान, घूम फिर के 18 साल गुजर गए दुनिया भर में, बीवी बच्चों से दूर, सबसे दूर, किसी प्रकार भागता, फाइनली वो अपने टाउन आया। वो जो भागा होगा था वो डर के मारे अपने वाइफ को बच्चे को लेके नहीं गया, कि उसने कहा कि इनको चुपचाप से वहां से अपने पैसे में से कुछ हिस्सा भेज दिया करता था उन लोगों को। और आपको पता तो अमेरिका में कुछ लोग होते हैं उनको वो पारिवारिक जिम्मेदारी के लिए उतने प्रतिबद्ध भी नहीं होते। जब वो लूट के 18 साल बाद तो थाने में मालूम चला कि उसके नाम की रिपोर्ट ही नहीं है, वो तो ऐसे ही भाग रहा था 18 साल तक, मतलब कोई किसी ने उसके नाम की एक रिपोर्ट भी नहीं लिखवाई, कोई चोरी में वो इन्वॉल्व भी नहीं, कानूनी तौर पर वो कहीं इन्वॉल्व भी नहीं है, वो तो फ्री सिटीजन है, कुछ किया ही नहीं उसने। अब आप सोचिए, वो सोचा, क्या मेरे को सजा नहीं मिली, क्या मुझे सजा नहीं मिली है, एक्चुअली में उसको सजा मिल चुकी है। वो 18 साल तक भागता रहा, 18 साल तक परिवार से दूर रहा, 18 साल तक किसी एक शहर में रह नहीं पाया, शहरों को चेंज करता रहा डर के मारे, जब भी पुलिस वाले को देखता छिप जाता, भाग जाता, कोई घटना सुनता तो अखबारों को ध्यान से पढ़ता, चोरी वाला कॉलम पढ़ता, कहीं कोई खबर तो नहीं छपी इसके अंदर के। और सोचिए कि फाइनली वो व्यक्ति लूट के आया तो उसे लगा के 18 साल जिंदगी के उसने जो है वो सजा के तौर पर उसने गुजार दिए। अपराध, क्राइम, बुरी चीजें जो होती है ना, वो आदमी को कई बार अंदर से खुद ही सजा देती है, बाहर का समाज सजा मान लो ना दे पाए किसी कारण से, तो व्यक्ति खुद ही सजा प्राप्त कर लेता है। और ये एक सच है, ये मनोवैज्ञानिक सच है। तो इसलिए हमें ऐसी कोई एक्टिविटी किसी जिसमें जो है किसी का दिल दुखाए, किसी का बुरा करे, उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और सच बात तो ये है कि मैं आपको बता दूं, मैं कि आज भी जो है हम सभी लोग एक बात अच्छे समझ लें कि आज भी
आज के जमाने में भी जब लोग जो है बहुत ही सेल्फिश बिहेवियर कर रहे हैं इस पैंडेमिक में, आपको बता दूं अच्छे लोग समाज में हैं। जैसे अभी वहां पे दिल्ली में जो है वो गुरुद्वारा है, उन लोगों ने जो है वहां पे फैसिलिटी को शुरू किया, उन्होंने फ्री ऑक्सीजन फ्री सब कुछ शुरू किया। तो ऐसा नहीं है, लोग हैं जो समाज में आगे बढ़ के आते हैं काम करते हैं। जैसे अभी विराट कोहली अनुष्का शर्मा ने भी उन्होंने जो है किसी के लिए दवा खरीदा, एक बच्चे के लिए उन्होंने 16 करोड़ का मेडिसिन था उसको जो है बच्चे को लगवाया। तो मतलब लोग ट्रस्टीशिप की भावना लोगों में आती है एक लेवल के बाद, केवल वो दूसरों के लिए भी कुछ करते हैं, तो वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट मायने रखाती है। इसलिए कभी ये सोचना कि हम बहुत होशियार हैं, हम किसी चीज को करके गलत करके हमको कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं जान रहा है, तो वो चीज जो है सही नहीं है। मैंने देखा हाल ही में बहुत सारे बच्चों ने जो ऐप जब अपडेट हुआ तो कई बच्चों ने ये भी कंप्लेंट किया कि सर हमारा ऐप जो है वो 2021 से 2022 अपने आप चेंज हो गया, हमने नहीं किया, भगवान की कसम हमने नहीं किया। बच्चों से कहा कि बेटा ये तो पॉसिबल ही नहीं है, जब तक आप ऐप में 21 या 22 नहीं चुन लेंगे, चुनने के बाद आप अपना ओटीपी नहीं भरेंगे, बार बार लिखा आता है कि ऐप चेंज किया आपने तो आपका पुराना डेटा डिलीट कर जाएगा, खाली हो जाएगा पुराना डेटा। लेकिन तब भी कई लोगों ने किया, मालूम चला कि उन लोगों ने अपना एक अकाउंट जो है 5 बच्चों को बांट रखा था, 5-6 लोगों ने बांट रखा था, और 5-6 लोग 5-6 अलग अलग डिवाइसेस में इस्तेमाल कर रहे थे, किसी एक ने जो है बदल दिया तो सबका बदल आ गया क्योंकि वो तो एक ही अकाउंट था। ऐसे एक कोई टीचर थी कहीं पे, उनके उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी पूरी क्लास को उन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया, उन्होंने पूरी 30 बच्चों की क्लास को दे दिया, उन्होंने 30 बच्चे अच्छी बात है वो फायदा उठा रहे थे, बायोमेट्रिक से पढ़ रहे थे, कोई बात नहीं उसमें, लेकिन किसी एक ने चेंज कर दिया और ना एलिगेशन बायोमेंटर्स पे कि भैया आपने कर दिया अपने आप से, हो पॉसिबल ही नहीं है। कंप्यूटर कांट लाइन, हमने बताया उनको कि भाई 6:11 पर आपने यहां से यहां लॉग इन किया, आपने इस आईपी एड्रेस से किया, आपने अपना बदला और इसलिए आपका चेंज हुआ और डिलीट कर गया, अब रिट्रीवल पॉसिबल नहीं है इसको। यानी आप अपना खुद का कंटेंट डिलीट कर दे और मुझसे बोले, मैं अपने मोबाइल को रिसेट करके बोले कि मैं उसको सेट कर दूं, कैसे सेट कर दूंगा, आई कैन नॉट डू दिस, मुझे मेरे पास नहीं है वो चीज, वही लागू होता है। तो कई बार फिर कुछ बच्चों ने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ सर ऐसा हुआ, तो मैं वही कहता हूं कि हमें सच ट्रुथ जो होता है ना वो हमेशा सामने आता, कभी ना कभी सहयोग करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ करना दोनों चीजें हैंड टू हैंड है, लेकिन बात इतनी सी ये भी सोचना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं इसका जो भी हम कर रहे हैं इसका परोक्ष फायदा या नुकसान किसी दूसरे को नुकसान तो नहीं हो रहा है इससे, किसी दूसरे के साथ में आप जो है वो जिसे बोलते हैं ना आपकी मिसट्रस्ट तो क्रिएट नहीं कर रहे। तो उससे मुझे लगा कि देखो एक तो आपको साफ बोलते हैं सर हम 3 अलग अकाउंट यूज कर रहे थे, अभी फिर क्या होता है कि उसके चलते चीजें बदलती हैं। नाउ न्यू सिस्टम इज दैट यू कैन यूज इट ओनली इन 1 मोबाइल फोन 1 डेस्कटॉप और 1 टैबलेट। अब आप उसको वहां लिमिट हो गया, वो उसके अंदर सिस्टम सेट हो गया उसके अंदर कि अब वैसे ही इस्तेमाल होगा वो। तो चीजें जैसे ऐसे देखते हैं कि क्या घट रहा है तो उसके सेफ्टी मेजर्स को भी तैयार करना पड़ता है। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।